अकबर बिरबल, 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 अकबर बिरबल। एक दिन हसन एक सरदार की दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी करते हुए सामने बैठे हुए की प्रशंसा करते हुए अपना मतलब निकालते रहना, ये हसन का स्वभाव था। बिल्कुल इसी उद्देश्य से हसन ने सरदार से कहा, ऐसी दाढ़ी बनाता हूँ इस बार कि खुद शेर खान का भी मिजाज उतर जाएगा। लकड़ी लो, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी। नहीं, वैसे मेरे हाथों में गुण ही ऐसे हैं। इस तरफ देखे ना जरा। लकड़ी लो, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी। लकड़ी लो, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी। बाकी सब सीधी, एक लकड़ी टेढ़ी। लकड़ी लो, लकड़ी, लकड़ी लो, लकड़ी। ये क्या, ये क्या हसन, यही गुण है क्या तेरे हाथों का? ऐसे हर बार थोड़े ही होता है। क्या है कि वो गंगाराम है ना, पहाड़ी बस्ती वाला, वो आया है लकड़ियां बेचने के लिए। उसके ऐसी अजीब सी गंदी आवाज के कारण हाथ जरा सा फिसल गया। आप रुकिए जरा, मैं उसे अभी देख के आता हूँ। अरे पर ऐसा करने से मेरी कटी हुई मूंछ थोड़ा ही वापस आ जाएगी, अब ये बची हुई भी काट दे। हसन सरदार की बची हुई मूंछ काट कर लकड़ी बेचने वाले गंगाराम से निपटने के लिए बाहर आया और बोला, क्यों भाई गंगाराम, इस गधे पर रखी हुई लकड़ी के कितने पैसे लोगे? क्या खान साहब, आपसे मैं क्या मोल करूंगा, आप खुद ही तय कीजिए और दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं रे भाई। अरे इस गधे पर रखी हुई लकड़ी की कुछ तो कीमत तुम्हारे मन में होगी ही ना। अरे व्यवहार में ऐसी बात तो होती ही है, बोल कितने दूं? साफ साफ बोलो। ऐसी बात है, ऐसी बात है तो मैं हर वक्त इन लकड़ियों के लिए 5 मोहरे लेता हूँ। ये लो 5 मोहरे और उस गधे पर रखी हुई सभी लकड़ियां निकाल कर उस कोने में रखो। खान साहब, जलाने की लकड़ियों में गद्दे की लकड़ियां नहीं आती हैं। ए, पर पहले तो तुम्हें तुम्हारे गधे की पीठ पर रखी हुई सभी लकड़ियों की कीमत पूछी थी और तुमने कीमत मांगी, वो मैंने तुम्हें दी भी है। पर खान साहब, हमारे धंधे में लकड़ी के साथ गद्दे की लकड़ी नहीं देते हैं। मैं वो कुछ नहीं जानता गंगाराम, मैंने तुमसे गधे की पीठ पर रखी हुई सभी लकड़ियां मांगी थी, अब वो तुम्हारी गद्दी लकड़ी की है, इसे मैं क्या करूं? देखो तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना ही होगा। अरे पर मेरा और मेरे बच्चों का पेट उसी से तो भरता है सरकार, मेरा गद्दा चला गया तो मैं क्या करूँगा? गद्दी गई तो तुम हो ना गधे, चलते रहना सर पर लकड़ियां लिए। ऐसा मत कीजिए मालिक, भूखे रहने की बारी आएगी हमारी। देखो गंगू, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बादशाह का खानदानी नाई हूँ, ये प्रकरण उन तक पहुँचा तो तुम्हारी गद्दी तो क्या गधा भी वापस मिलेगा नहीं। हसन के सामने अपनी एक भी नहीं चलेगी,
ऐसा सोचकर गंगाराम ने लकड़ी के बक्से के साथ सारे लकड़ियां कोने में डाल दी और वो हसन को मन ही मन श्राप देता हुआ घर चला गया। गंगाराम बहुत ही बेचैन था। ललाट पर झुर्रियां बनाते हुए और हाथ की मुठ बंद करते हुए इधर उधर चक्कर काटते हुए वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। गलती मेरी ही है, उसकी बात मुझे पहले से ही ठीक से सुन लेनी चाहिए थी। नहीं, पर हसन ने भी मुझ पर अन्याय किया है। धंधे में कभी ऐसा होता है क्या? चक्कर काटते बड़बड़ाते हुए गंगाराम को देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अजी अजी क्या हुआ है तुम्हें? और अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हो? लकड़ियां तो बिक गई ना। अरे सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, अपने गधे की पीठ पर रखी हुई गद्दे की लकड़ियां भी बिक गई। मतलब? गंगाराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब उसने परेशान होकर कहा, अरे भगवान, ये तो घोर अन्याय है। तुम बादशाह के दरबार में जाकर फरियाद करो। फरियाद कैसे करूं मैं? वो हसन बादशाह का खानदानी नाई। एक बार बादशाह अपनी तरफदारी में निर्णय दे भी दे, पर कल उस नाई ने अपना जीना हराम कर दिया तो? हे भगवान, अगर ऐसा ही है तो तुम बीरबल से मिलो। वही है जो सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, तुम्हारी बात में कुछ दम तो है। गंगाराम तुरंत ही बीरबल से मिला और उन्हें सारी हकीकत समझाई। ऐसा हुआ क्या? गंगाराम, तुम चिंता मत करो, अब सिर्फ मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करो। सुनो, समझे? जी जी। सरदार, पिछली बार उस गंगाराम की गड़बड़ी के कारण आपकी दाढ़ी खराब हुई थी। अरे उसे अच्छा सबक सिखाया मैंने, दोबारा यहाँ दिखाई भी दिया तो कसम है। अजी इस बार शेर खान तो क्या, खुद बादशाह भी आपकी दाढ़ी देखकर दंग रह जाएंगे। देखिए आप, हसन खान साहब। ओ हसन खान साहब। हसन, क्या है ये? फिर वही गलती की? अब मैं दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। सरदार, आधी मूछ तो मुड़वा कर जाइए। छोड़ो, वो मैं खुद ही कर लूंगा। हसन खान साहब। ओ हसन खान साहब। ए, क्या हुआ? अब क्यों तकलीफ देने आए हो मुझे? पिछली बार लेना मैंने तुम्हारी सब लकड़ियां। पर आज मैं लकड़ी के लिए नहीं आया हूँ मालिक। तो क्या गधा बेचने आए हो क्या? तुम्हारा गधे कहीं के? हसन साहब, पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। अब बीती बातें भूल जाएं। मुद्दे की बात करो। मेरा एक मित्र है। तो अब उसकी लकड़ी लेकर आए हो क्या? नहीं नहीं, उस मित्र के मुझ पर कई उपकार है साहब। अरे उसी के कारण तो मैं, मेरी घरवाली और बच्चे जी रहे हैं। ए, मुद्दे की बात कर रहे गंगा। देखिए, उस मित्र की दाढ़ी आप बनाए ऐसी मेरी इच्छा है। अरे वाह भाई वाह गंगाराम, तुम्हारी इच्छा जैसे खुद बादशाह की इच्छा हो इस तरह बता रहे हो तुम मुझे। अरे दो कौड़ी का लकड़ी बेचने वाला तू और मैं, बादशाह का खानदानी नाई, तुम्हारे मित्र की दाढ़ी मैं क्यों बनाऊंगा? चलो निकलो यहाँ से, चल। मेरे मित्र की ऐसी खास बात है। यानी क्या? अरे जो कोई भी उसकी संगत में आता है उसका तो नसीब ही खुल जाता है भाई। अब मेरी ही बात लो ना, मैं पहले बहुत ही गरीब था, खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, पर मित्र का साथ मिला और हालात बदल गए। अब तो मैं परिवार के साथ खा पीकर मजे करता हूँ। अच्छा? हाँ, अब अगर आपने उसकी दाढ़ी बनाई तो क्या पता आपका भी नसीब खुल जाए। शायद आप बादशाह के दरबारी नौ रत्नों में से एक बन जाएं। ठीक है ठीक है, चलता हूँ, पर
20 मोहर से कम नहीं लूंगा मैं गंगा। हाँ पैसे इसी वक्त ले लीजिए खान साहब। पैसे देने के बाद गंगाराम हसन को अपने घर ले आया। दाढ़ी बनाने की सारी तैयारी करने के बाद हसन बोला, गंगा चल बुला लो अपने दोस्त को। वो तो आपके सामने ही खड़ा है, हो जाओ शुरू। अरे अरे गंगा, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई देता है। कोई नहीं कैसे, ये क्या, ये गधा तो आपके सामने ही खड़ा है। ये गधा है तो क्या हुआ, बहुत होशियार है। हाँ आप जैसा ही बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। गधा? हाँ गधा, यही तो मेरा बहुत प्यारा मित्र है और उसी की दाढ़ी बनाने आप यहाँ आए हैं। चलो शुरू हो जाओ। ए, गधे की दाढ़ी और मैं? ऐसा क्या बोल रहे हैं हसन साहब, अभी कुछ ही देर पहले आपने इसकी यानी मेरे मित्र की दाढ़ी बनाएंगे ऐसा कबूल किया था और इसके पैसे भी आपने लिए हैं। हाँ पर मुझे क्या पता था कि तुम गधे को मेरे सामने खड़ा कर दोगे। गधे? अब गधा मेरा मित्र है, इसमें मैं क्या करूँ। आपने कबूल किया था आपको इसकी दाढ़ी बनानी ही होगी। अरे क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे है? अरे बादशाह का खानदानी नहीं हूँ मैं, मेरा अपमान मतलब खुद बादशाह का अपमान है। ठहरो तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं तुझे। चल अभी इसी वक्त बादशाह के पास चलो। ऐसा बोलते हुए हसन गंगाराम को अकबर के दरबार में ले गया और वो बोला, खाविन मेरी इस लकड़ी बेचने वाले गंगाराम के खिलाफ एक फरियाद है। खाविन जहां अपना, इनके विरुद्ध मेरी भी एक फरियाद है। मामला दावपेच वाला होगा ये जानकर अकबर ने कहा, बीरबल जी खाविन ये क्या कहना चाहते हैं वो सुनो। बोलो गंगाराम, क्या फरियाद है तुम्हारी इनके खिलाफ? इसकी नहीं बीरबल जी, फरियाद तो मेरी है इसके खिलाफ। ठहरो हसन, तुम तो दरबार के ही आदमी हो ना। हा? पहले हम इस आम आदमी गंगाराम की बात सुनते हैं। ठीक है ठीक है। गंगाराम ने दरबार के सामने सारा किस्सा कह सुनाया। तब हसन ने पूछा, बीरबल जी अब आप ही बताइए, गधा इंसान का दोस्त हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता हसन? इस दुनिया में एक दूसरे के काम आने वाले कोई भी एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, फिर वो चाहे गधा हो या इंसान। अब अरे पर बीरबल जी, अपना दोस्त गधा है ये तो गंगाराम ने मुझे पहले बताया ही नहीं था। किसे अपना दोस्त बनाया जाए ये तो हर एक का अपना अपना नजरिया है, वो हम कैसे तय कर सकते हैं। और गंगाराम ने तुम्हें पहले से ही अपने दोस्त की दाढ़ी बनवानी है ऐसा बताया था ना। पर गधा एक इंसान का दोस्त कैसे हो सकता है खाविन? क्यों नहीं हो सकता, अगर गधे की पीठ पर रखा हुआ गद्दा जलाने की लकड़ियों में शामिल हो सकता है तो गधा भी इंसान का दोस्त हो सकता है, सच है ना। बीरबल की ये बात सुनकर हसन चौंक गया। बीरबल और गंगाराम की चाल उसके समझ में आ गई। नर्म होते हुए उसने कहा, मुझसे गलती हो गई जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गंगाराम पर अन्याय किया है, मैं उसकी लकड़ी की गद्दी वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। लकड़ी का गद्दा तो तुम्हें लौटाना ही होगा, लेकिन गंगाराम के दोस्त की दाढ़ी बनाने के बाद। इस तरह हसन की गंगाराम के जिगरी दोस्त की दाढ़ी बनाने की बारी आई और लोगों में हसन की हंसी हुई। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल के किसी काम पर खुश होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तुम्हारी हाजिर जवाबी, तुम्हारा इंसाफ, इन बातों से हम बेहद खुश हैं। ये आपका बड़प्पन है जहांपनाह। ऐसा नहीं है बीरबल, तुम वाकई सबसे बढ़िया हो, इसलिए मैं अपनी मर्जी से तुम्हें 200 मोहरों का इनाम दे रहा हूँ।
इसका तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। बीरबल को इनाम मिलने के कारण उसकी ईर्ष्या करने वालों के मन में खलबली मच गई। बीरबल को मिले सम्मान को देखकर जलने वालों में बादशाह का साला शेर खान और उसके साथी सरदारों के साथ काजी भी था। बीरबल को फंसाकर उसे चुप कराने के इरादे से काजी ने कहा, खाविंद, आपके ये वजीर बेहद चतुर है, जहाँ देखो वहाँ उन्हीं की तारीफ हो रही है। हाँ, सो तो है। पर खाविंद, आज मैं बीरबल को एक बहुत ही आसान सवाल पूछने वाला हूँ। अगर इस सवाल का जवाब वो दे पाए तो ही मैं मानूंगा कि बीरबल जी वाकई चतुर हैं। पूछो काजी, जो पूछना चाहो वो पूछो। खाविंद, बीरबल जी अपनी पत्नी का हाथ दिन में कितनी बार देखते होंगे? हाँ। तो अपनी पत्नी के हाथों में असल में कितनी चूड़ियां हैं, इसका वे सही जवाब दे दें। बीरबल के खिलाफ काजी के मनोभाव का रूपांतर कहीं विवाद में न हो जाए, इसी इरादे से अकबर ने कहा। वाह काजी, बहुत ही कमाल का सवाल है। अब तक मुझे भी मालूम नहीं है कि मेरी बेगम कितनी चूड़ियां पहनती है। जहापना, अपने काजी साहब गणित के विषय में अत्यंत विशारद है, ये बात तो सब जानते हैं। और उन्हें हमेशा अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते रहने की आदत है, इसीलिए उन्हें अपनी दाढ़ी में कुल मिलाकर कितने बाल हैं, इस बात का तो जरूर पता होना चाहिए। मेरा सवाल याद है ना बीरबल जी? उसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं काजी साहब। भाई, आपकी दाढ़ी में कुल मिलाकर जितने बाल हैं, उसके 1000वें भाग जितनी संख्या की चूड़ियां मेरी पत्नी के दोनों हाथों में है। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बादशाह और सारे दरबारी हंसते हंसते उल्टे हो गए और काजी की हो गई भाजी। पर काजी द्वारा पूछे गए गजब के सवाल जैसा ही सवाल पूछने की अकबर को भी इच्छा हो गई। अगर बीरबल ने उसका जवाब दिया तो मजा आ जाएगा और नहीं दिया तो बीरबल पहली बार निरुत्तर हो जाएगा। गाजर की पुंगी बजी तो बजी, नहीं तो तोड़कर खा ली, ऐसा सोचकर अकबर बोले, बीरबल, मेरे सारे शरीर पर बाल हैं, पर सिर्फ हाथ की इस हथेली पर ही बाल क्यों नहीं है? अब खुद बादशाह भी मजाक करने पर तुले हुए हैं, ये बात समझने में बीरबल को देर ना लगी। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर, आप तो बहुत ही उदार और जानकार हैं। फिर आपके हाथों से हमेशा किसी न किसी गुणवान को इनाम दिया जाता है, दान कर्म में मोहरे बांटी जाती हैं। इन मोहरों से आपकी हथेली पर होने वाले निरंतर घर्षण के कारण आपकी हथेली के बाल गिर जाते हैं हुजूर। ऐसा होते हुए आपकी हथेली में बाल कैसे रह सकते हैं जहांपना? चलो मान लो कि मेरी बात ठीक है, पर तुम कहां किसी को दान देते हो, फिर तुम्हारी हथेली में भी बाल कहां है? आपकी बात बिल्कुल सही है हुजूर। पर जैसे पहले मैंने बताया कि आप बहुत ही जानकार और उदार मन के हैं, जहां बना बार बार खुश होकर आप मुझे भर भर के स्वर्ण मोहरे देते रहते हैं। आपकी हथेली के बाल इनाम दे दे कर गए, उसी तरह मेरी हथेली के बाल इनाम ले ले कर गए हैं हुजूर। तुम्हारी ये बात भी मंजूर है बीरबल, पर दरबार में ये सारे जो लोग हैं, उनकी हथेलियों में भी बाल कहाँ है? क्या सवाल पूछा है बादशाह सलामत? अब तो जरूर पूछेंगे। खाविंद, मैं यही पूछने वाला था। माफ कीजिए हुजूर, पर मुझे साफ साफ बोलना पड़ रहा है। बोलो।
स्थापना, हर बार आप मुझसे खुश होते हैं और मुझे ही कुछ न कुछ इनाम देते रहते हैं, पर ये बात दरबार में किसी को भी पसंद नहीं है। जब भी आप मुझे इनाम देते हैं तब ये लोग जलन के मारे अपने हाथ एक दूसरे पर घिसने लगते हैं और इसी कारण इनकी हथेलियों के बाल गिर गए हैं जहां पना। आफरीन, आफरीन। बिरबल के इस जवाब से बादशाह बेहद खुश हुए और उसे और 50 सुवर्ण मोहरे दी। फिर एक बार दरबार के अन्य लोग जलन के मारे हाथ घिसने लगे। वाह बिरबल वाह। हसन बादशाह का खानदानी नाई था, इसलिए बादशाह के परिवार जनों के केश कर्तन के काम वही करता था। ऐसे ही एक दिन हसन बादशाह के साले शेरखान की दाढ़ी बनाने के लिए गया। बादशाह का वजीर यानी बिरबल से जलने वाले सरदारों में से एक शेरखान भी था। वो हमेशा बिरबल को हराना चाहता था। हुजूर, मैंने आप जैसा राजनीति खेलने वाला इंसान दुनिया भर में नहीं देखा है। वाह। बेशक हसन, अरे पर सिर्फ राजनीति का खिलाड़ी दिखता हूँ मैं। बादशाह का साला होते हुए भी मुझे एक भी पद नहीं मिला है। कैसे मिलेगा? अजी वो बादशाह का चमचा बिरबल है ना, बीच बीच में बोलने वाला। मैं तो कहता हूँ आप ही को वजीर होना चाहिए था। अरे कहता हूँ क्या, होंगे ही। हसन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अरे पर ये मुमकिन है क्या? अरे आप सिर्फ हाँ कहिए, ऐसा खेल खेलूंगा कि बिरबल की बनेगी कब्र और आपका होगा सिंहासन। हसन, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जेब हीरे मोती से भर दूंगा। हुजूर, हीरे मोती के साथ साथ मुझे नवरत्नों के साथ 10वां रत्न बनाकर बादशाह के दरबार में बिठा दिया तो मैं आपका बहुत ही एहसान मंद रहूंगा। बेशक बेशक ऐसा ही होगा, जाओ लग जाओ काम पर। जो हुक्म हुजूर। जैसे तय किया गया था वैसे ही हसन काम पर लगा। वो अत्यंत चतुर और चालाक था। सप्ताह के तय किए गए दिन हसन बादशाह की दाढ़ी बनाने राजदरबार गया। क्या अपना, आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके पिताजी की बहुत याद आ रही है। हसन, तुम तो हमारे खानदानी नहीं हो। जैसे हमारे पिताजी ने तुम्हें किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी, वैसे हम भी तुम्हें किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अल्लाह सलामत। हुजूर, आपके राज में किसी को क्या कमी महसूस होगी? पर क्या हसन? हुजूर, आपके पिताजी की मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है। अजी कल रात ही वो मेरे सपने में आए और मुझसे कहने लगे, हसन मैं जन्नत में बहुत ही खुश हूँ, पर कुछ भी करके मेरा वक्त कट नहीं रहा है, तो मेरे बेटे से कहो कि मेरे मनोरंजन के लिए एक चतुर बुद्धिमान और हाजिर जवाबी इंसान को कम से कम 4-6 महीनों के लिए तुम जन्नत में भिजवा ही दो। अब्बा हुजूर, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। मैं कल ही एक विदुषक को आपके पास भिजवाता हूँ। नहीं नहीं हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? अजी वो मूर्ख विदुषक किस काम का? आपके पिताजी ने कहा है कि हाजिर जवाबी बुद्धिमान इंसान को भिजवा देना। विदुषक तो मूर्ख बंदर की तरह होता है। अच्छा, सच है हसन, तो फिर किसे भेजा जाए? जहां अपना
बीरबल जैसा होशियार हाजिर जवाबी इंसान और कोई है क्या अपने दरबार में? आप बीरबल को ही क्यों नहीं भिजवाते हैं सरकार? शाबाश हसन, हम खुश हुए। बीरबल, तुम मेरे सच्चे सेवक हो, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे, ऐसा भरोसा है मुझे। बादशाह सलामत, मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, ऐसा वचन देता हूं मैं। बताइए आप क्या इच्छा रखते हैं? बीरबल, हमारे शाही नाई हसन के ख्वाब में हमारे अब्बाजान आए थे। आपने कहा उनके मनोरंजन के लिए एक इंसान को भेजा जाए, तो हमारी ख्वाहिश है कि तुम वहाँ जाओ। हसन की चाल समझने के बावजूद बीरबल ने नम्रता से बादशाह से कहा, हुजूर, आपके पिताजी तो पैगंबर वासी हुए हैं, वहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ? सही है, हमने तो इस बात का ख्याल ही नहीं किया। अब हुजूर, ये तो बहुत ही आसान है, बीरबल हिंदू है, तो उनको जिंदा जला दिया जाए तो वे अपने आप ही पैगंबरवासी जहांपनाह के पास पहुंच जाएंगे। वाह हसन, कमाल की युक्ति है। बीरबल, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम आज ही चिता पर चढ़ जाओ, इसके बदले में मैं तुम्हारे परिवार जनों को 20,000 सोना मोहरे दूंगा। तैयारी शुरू की जाए। खुद बुरी तरह फंस गया है इस बात का। जब बीरबल को अंदाजा हुआ तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई। हुजूर, पंचांग अनुसार चिता पर चढ़ने के लिए ये समय योग्य नहीं है, इसलिए मैं चिता पर कल चढ़ूंगा। पर हुजूर, मेरे बाद मेरा काम कौन संभालेगा? अब वो हुजूर, आपके साले साहब शेर खान तब तक पद संभाल सकते हैं ना? ठीक है। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी, मैं कल की तैयारी करता हूँ। दूसरे दिन जैसे तय किया गया था, सारे दरबारी और अकबर ने बीरबल को चिता पर बिठाकर चिता जलाई। बीरबल के चिता की आग के हवाले होते ही हसन और शेर खान खुश हुए। छह महीने के बाद जब दरबार भरा हुआ था, तब अचानक ही दाढ़ी मूछों वाला एक आदमी बता रहा था कि मैं बीरबल हूँ। ये सुनते ही सारे दरबारी चौंक उठे। सबको डरे हुए देखकर बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं बीरबल ही हूँ। अरे पर आप तो जन्नत में गए थे ना, फिर आप यहाँ जिंदा कैसे? बुद्धि श्रेष्ठ शेर खान जी, मैं युक्ति के बल पर पृथ्वी पर आया हूँ। पर वो युक्ति मैं बताऊंगा नहीं। नहीं वो ठीक है, पर बीरबल जी आप ये बताइए कि आपकी दाढ़ी मूछ इतनी बढ़ कैसे गई, और इस तरह बादशाह के दरबार में आते हुए आपको शर्म नहीं आई? क्षमा कीजिए बादशाह सलामत, पर मैं क्या करता, सीधा जन्नत से आया हूँ ना, और जन्नत में हसन जैसा नाई भी तो नहीं है। जनाब मेरी बात छोड़िए, मेरी तो इतनी ही दाढ़ी बढ़ गई है, पर बादशाह के पिताजी की दाढ़ी कमर तक झूलने लगी है। अब बोलिए। क्या अब्बा हुजूर के ऐसे हालात? और नहीं तो क्या, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या हसन की तरह? जहाँ पना आपके पिताजी ने तो हाजिर जवाबी इंसान के साथ साथ हसन को भी जन्नत में बुलवाया था। पर हसन नाई ने वो बात आपको बताई नहीं हुजूर। क्या हसन जी, तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया? जहाँ पना आज इसी वक्त तुम्हें हमारे अब्बा हुजूर के पास जाना ही होगा। बीरबल, तुम खुद इसका इंतजाम करो।
जैसा हुक्म मेरे हुजूर। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हसन को कब्रिस्तान ले जाकर एक खड्डे में डाला गया। उसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम तुम्हारी वफादारी पर बेहद खुश हैं, पर एक बात बताओ, तुम जन्नत से वापस आए कैसे? अकबर बादशाह के इस सवाल के जवाब में बीरबल हंस दिया। बीरबल अपनी ही युक्ति पर मन ही मन बेहद खुश था। उस दिन बीरबल ने कुछ सैनिकों से चिता के नीचे से एक भूमार्ग बनवा लिया था और जब चिता में आग लगाई गई, उससे पहले ही बीरबल भूमार्ग से बाहर निकल गया था। इस तरह हसन के कारस्तान को बीरबल ने कब्रिस्तान दिखा दिया। ये कैसा ख्वाब है? बाबा, मुझे ऐसा ख्वाब क्यों दिखाई दिया? इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है? बेगम, ओ बेगम, बेगम, हाँ, क्या, क्या हुआ? बेगम, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। कैसी परेशानी? सुनो, मुझे एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया। ख्वाब ही देखा ना, और कुछ तो नहीं हुआ है ना? ऐसा नहीं, पर टूट गए। क्या? बेगम, मेरे दांत टूट गए। हाँ? हाँ? दांत टूट गए? देखो तो। अरे सचमुच नहीं टूटे, ख्वाब में। ख्वाब में टूट गए ना, तो टूटने दीजिए और अब मुझे सोने दीजिए। अरे पर सुनो तो सही। ओह, मुझे सोने दीजिए ना, नहीं तो आपके ख्वाब को मैं हकीकत में पलट दूंगी। हाँ? अपने इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है, इसके बारे में सोचते हुए रात भर अकबर सो नहीं पाए। सुबह होते ही उसने महल में अपने सेवक से कहा, अभी इसी वक्त जाओ, शहर में मिले वो सारे ज्योतिषी को ले आओ, मुझे बहुत ही जरूरी काम है उनका। बादशाह सलामत, मैं बीरबल जी को भी बुला कर लाऊं क्या? पहले मैंने बताया वो काम जल्दी खत्म करो और चीजें बाद में देखेंगे। जैसा आपका हुक्म। सेवक शहर में जाकर दो ज्योतिषियों को ढूंढ निकालता है और बादशाह के सामने हाजिर करता है। बादशाह सलामत, अपने शहर में ये दो ही ज्योतिषी मिले हैं। ठीक है, फरमाइए राजेश्वर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, कल मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। अजीब सा? यानी गुरु का चक्कर। कौन गुरु? यहाँ का कोई गुरु नहीं, वो वहाँ अर्थात आकाश का गुरु, शुक्र शनि वगैरह का चक्कर। पहले हम बादशाह के मन की बात सुन ले क्या? बताइए बताइए राजेश्वर। उस ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे एक दांत के सिवा सारे दांत टूट गए हैं, इसी कारण मैं बहुत ही बेचैन हो गया। बेचैन हो गए अर्थात चंद्र का उद्योग। वो जो भी हो, आप मुझे इस ख्वाब का मतलब समझाइए। कौन, आप बताएंगे शुक्राचार्य जी या मैं ही बता दूं? अब आपकी इच्छा हो तो आप ही बताइए बताइए। एक दांत छोड़कर बाकी सारे गिर गए। महाराज, क्या? नहीं, आपको ये ख्वाब जागृत अवस्था में दिखाई दिया या नींद में? अरे वो ख्वाब है बुद्धाचार्य जी, वो नींद में ही दिखाई देगा।
ऐसी बात है क्या? नहीं नहीं, कुछ राजाओं ने जागृत अवस्था में स्वप्न देखे थे ऐसा इतिहास में पढ़ा था, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है ठीक है, बताइए इसका क्या मतलब है जल्दी। जी जी, एक दांत छोड़कर बाकी सारे गिर गए, अर्थात रवि वक्रीय, शनि चक्रीय और राहु सक्रीय। अशुभ। क्या? महाअशुभ। शिव 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 शिव। अजी, आपके सारे रिश्तेदारों की आपसे पहले मृत्यु हो जाएगी और आपको अकेले ही रहने का समय आएगा। इसका इसका कोई इलाज नहीं है जहाँ अपना पंडित जी, इसलिए आए जो सामने उसका करे स्वीकार। मूर्ख, मेरे राज्य में रहते हो और मेरे बारे में ही बुरा सोचते हो, यही पड़े हो क्या तुम? ठहरो, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बादशाह, सेवकों, इसे कोड़े की मार मारते हुए राज्य से बाहर निकाल दो। जी महाराज। चलिए पंडित जी, आए जो सामने उसका करें स्वीकार। ये लो। देखिए शुक्राचार्य जी, देखिए आपका पंचांग खोल कर देखिए और बताइए कि आपको इस ख्वाब का मतलब क्या लगता है। बादशाह सलामत, मैं गलती से कोई दूसरा ही पंचांग ले आया हूँ। मैं अभी इसी वक्त घर जाता हूँ और सही पंचांग लेकर आता हूँ और फिर आपको चाहिए वो मतलब बताता हूँ। ठीक है ठीक है, तुरंत वापस आना। शुक्राचार्य जी महल से निकलकर सीधे ही बिरबल के घर पहुँचे, क्योंकि बादशाह के सवाल का जवाब देने की बुद्धि सिर्फ बिरबल के पास ही थी। शुक्राचार्य जी ने सारी बात बिरबल को बताई और उन्होंने कहा, बिरबल जी, बुधाचार्य जी ने बादशाह को जो अर्थ बताया है वो ही सही अर्थ है, और झूठा अर्थ नहीं बताना, ऐसी हमारी गुरु की शिक्षा है। अब मैं क्या करूं? सच बोले तो भी मुसीबत और झूठ बोलो तो भी मुसीबत। शिव 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 शिव। चिंता का कोई कारण नहीं है शुक्राचार्य जी, जैसा मैं बताता हूँ मात्र वैसा ही भविष्य आप बादशाह को बताइए। शुक्राचार्य जी जब महल में पहुंचे तब बादशाह को चिंता हो रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों शुक्राचार्य जी, ले आए वो पंचांग? अब जी जहापना, अब कुछ ही देर में मैं बताता हूँ। हाँ। एक दांत छोड़कर बाकी सभी दांत टूट गए, अर्थात प्रभु का उपकार। हाँ। शनि का चमत्कार और राहु का साक्षात्कार। हाँ। जहापना, क्या हुआ? अम्मा भाई, क्या सपना देखा है आपने? वाह वाह। क्या? अजी, ऐसा सपना देखने के लिए नसीब चाहिए महाराज, नसीब। क्या बात कर रहे हैं आप? अजी, लाखों में एक है आप। पर हुआ क्या है? क्या हुआ? जहाँ अपना, आपके सारे रिश्तेदारों में से आप सबसे ज्यादा जीने वाले हैं, और कुछ ही दिनों में आपको आपके किसी भी रिश्तेदार की ओर से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। शुक्राचार्य जी, कितने विद्वान हैं आप? सब उनकी कृपा है जहापना। सेवक, इनको इसी वक्त मोतियों की दो मालाएं और 200 मोहरे दे दी जाएं। दिल्ली शहर में एक अत्यंत गुस्से वाली स्त्री रहती थी। बार बार अपने पति पर गुस्सा करते हुए अपने पति को चप्पल से पीटती रहती थी। क्यों जी, तुम्हें बताया था ना कि यह बर्तन यहाँ मत रखो, इसकी जगह वहाँ पर है, फिर ये यहाँ कैसे आए? मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। है ना, तो ठीक कर लो अपनी गलती जल्दी से। कब अक्कल आएगी इस आदमी को, क्या पता, सब कुछ बताना पड़ता है। अजी, पहले यहाँ आओ। हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये घर का कचरा कब निकालोगे, सूरज सर पर आने के बाद? निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ।
देखो मैं हूँ तो घर कैसा ठीक ठाक चल रहा है। अगर तुम्हारे भरोसे रहती ना तो घर घर ही नहीं रहता। वो तो अच्छा है कि ये चप्पल है मेरे साथ। उमा कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है। झुको। अरे मायके की देवी का प्रसाद है ये। ओ मेरी माँ। अरे वो है ना, इसलिए तुम हो। अरे पर मैंने कब मना किया। उमा, अरे आयशा जरा धीरे। अरे क्या कर रही हो। इस तरह ये स्त्री अपने पति को यानी दौलत को देवी के प्रसाद के नाम से हमेशा चप्पल से मारती रहती थी और पति बेचारा चुपचाप सहता रहता था। ऐसे ही एक दिन इस स्त्री ने अपने पति को गुस्से में आकर बहुत ही पीटा और दौलत ने भी हमेशा की तरह वो सहन कर लिया। ये सब देखते हुए पड़ोस के मई पति को दौलत पर तरस आ गया। दौलत को अकेले देखकर मई पति घर में आया। दौलत, क्यों इस तरह मार खाते हो तुम? तुम इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? अरे बाबा, उसका मारना हमारे घर की भलाई के लिए ही है। वो मुझे मारती है वो गुस्से से नहीं, प्रेम से। प्रेम से? मतलब? अरे उसके पास जो चप्पल है ना, वो उसके मायके की देवी ने प्रसन्न होकर उसे दी है। उस चप्पल की मार खाए बगैर हमारा घर ठीक ठाक रह ही नहीं सकता, ऐसा उस देवी ने उसे बताया है। देखो, घर के सारे काम तुम ही करते हो और ऊपर से मार भी तुम ही खाते हो, ये बात समझ में नहीं आती। तुम इसका कोई मार्ग क्यों नहीं निकालते? क्या मार्ग निकालूंगा? दौलत, तुम बीरबल से मिलो। अजी, इसमें बीरबल क्या कर सकते हैं? ये हमारा निजी मामला है, इसमें वो क्या दखलंदाजी करेंगे? देखो दौलत, तुम एक आदमी हो और तुम्हारी पत्नी की ओर से तुम्हारे साथ एक आदमी जैसा व्यवहार ना हो, ये अयोग्य है। अगर तुम उनसे मिलोगे तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। दौलत ने बीरबल से मिलकर अपने घर के हालात बताए। ये सुनकर बीरबल ने दौलत से कहा, दौलत, कोई भी देव किसी को अन्याय हो ऐसा प्रसाद कभी नहीं देते हैं। तो तुम्हारी पत्नी के मायके की देवी की ओर से मिला हुआ चप्पल का प्रसाद सच है या झूठ, ये हमें देखना ही होगा। अब मेरी बात सुनो। समझ गए? अजी सुनते हो? जाग गई क्या? जल्दी यहाँ आओ तो, जरा इसे देखो क्या है ये। हाँ? अरे ये क्या चल रहा है? इस लोहे की सलाख की क्या पूजा कर रहे हो? अरे ये सलाख सादा सीधा नहीं है। तो कल रात बजरंगबली मेरे सपने में आए थे। हाँ? और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे सलाख प्रसाद के रूप में दी है। हाँ? पर उसका करोगे क्या? अरे जैसे तुम्हारी देवी ने वो चप्पल दी है ना। हाँ? वैसे ही ये सलाख है। हाँ हाँ? जैसे तुम्हें गुस्सा आने पर मैं इस चप्पल का मार खाता हूँ। हाँ? और उसके कारण अपना घर ठीक ठाक रहता। हाँ? है, वैसे ही मुझे गुस्सा आया तो इस सलाख का मार तुम्हें खाना होगा। हाँ? हाँ? इसके कारण अपने घर में समृद्धि आएगी। हाँ? अपने बादशाह जितना धन हमें मिलेगा। हाँ? तुम्हारा ठाट बिल्कुल महारानी जैसा होगा देखना। जी पर तुम्हें ये किसने बताया? किसने बताया का मतलब? साक्षात बजरंगबली ने ही बताया है। हाँ, 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 चलो अब से ही इसकी शुरुआत करता हूँ। नहीं, नहीं, मत मारो, मत मारो मुझे। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। और वो देवी का दिया हुआ चप्पल का प्रसाद भी झूठा है, झूठा है। झूठा? मेरी माँ ने बताया था तुम्हें काबू में रखने के लिए ऐसा करने को कहा था। ये बात है, पर मेरी ये सलाख सच्ची है, समझी क्या? मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी तुम पर और चप्पल से मारूंगी भी नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है,
जरा दूर हटो, मुझे घर में झाड़ू लगाना है। नहीं नहीं नहीं, आज से सारे काम मैं करूंगी, आप आराम से बैठिए सलाख लेकर। कभी कभी अकबर बादशाह को बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का दिल होता रहता था। ऐसे ही एक दिन बीरबल को अपनी ओर आते हुए देखकर अकबर बीमारी का नाटक करने लगे। अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। हुजूर, क्या हो रहा आपको? कोई परेशानी है क्या? अल्लाह, जल्द से जल्द मुझे छुड़ा लो, नहीं चाहिए ऐसी यातना। क्या हो रहा है हुजूर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा, सुबह से सीने में बेहद दर्द हो रहा है। ओ माँ, और कमजोरी भी बहुत ही लगती है। ओहो हो हो, ठहरिए ठहरिए, मैं अभी हकीम को लेकर आता हूँ। अरे वो तो सुबह ही आकर गए। अच्छा, तो उनकी औषधि का कोई असर नहीं हो रहा है क्या? नहीं। ऐसा है तो दूसरे हकीम को लेकर आता हूँ मैं। औषधि का असर होने के लिए औषधि तो मिलनी चाहिए ना। क्या औषधि नहीं मिल रही है? नहीं। अजी तो फिर किसी दूसरे राज्य से ले आते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही ना। मिलेगी या नहीं कौन जानता है। अल्लाह, उठा लो मुझे, जल्दी उठा लो। जहां पना, इस तरह हिम्मत मत हारिए आप। मैं औषधि लेकर आता हूँ, बताइए कौन सी औषधि लानी है। हकीम ने मुझे, हाँ हाँ, महीने भर के लिए, बोलिए, बैल का दूध पीने को कहा है। हाँ, बैल का दूध। बैल के दूध की बात सुनते ही बादशाह अपना मजाक उड़ा रहे हैं, ये बात बीरबल समझ गया। कुछ समझ में नहीं आया है ऐसा दिखाते हुए बीरबल बोला, बस इतनी सी बात है जापना, दो दिन का समय दीजिए। अपने राज्य में बहुत सारे बैल हैं, उसमें से कोई एक तो दूध देता ही होगा ना। मैं आपको दो दिन में लाकर देता हूं बैल का दूध। ठीक है, तब तक रखता हूं धैर्य। ओ अल्लाह, राजा को आश्वासन देकर घर पहुंचकर बीरबल सोचने लगा। बीरबल का चिंताग्रस्त चेहरा उसकी बेटी तेजस्विनी ने देखा। उसने बीरबल से चिंता का कारण पूछा। तब बादशाह द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी के बारे में बीरबल ने तेजस्विनी को बताया। तभी तेजस्विनी बोली, तो आपको इस बार कोई तरकीब नहीं सूझ रही है क्या? चाहो तो मैं कोई तरकीब बताऊं आपको, मतलब उनको क्या जवाब देना है वो। तरकीब तो मिली है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। और उस काम के बारे में तुम्हें कैसे कहूं वो सोच रहा हूं मैं। अरे कोई भी काम बताइए मुझे, मैं अवश्य आपकी मदद करूंगी, आपकी मदद करना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर सुनो। सरकार, बाहर एक स्त्री आपसे मिलना चाहती है, वो आपको कोई खुशखबर देना चाहती है। ठीक है, उसे अंदर भेजो।
हुजूर, लीजिए ये लड्डू। और आज बीरबल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं वो? बाहर गांव गए। ठीक है, जाने दीजिए। हे बालिके, कौन हो तुम और ये लड्डू क्यों बांट रही हो? सरकार, हमारे घर में इस बार खुशखबरी है। खुशखबरी यानी? जी, मैं 8 दिन में माँ बनने वाली हूँ। 8 दिन में माँ? पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। यही तो खास बात है, इसीलिए तो मैं आज ही लड्डू बांट रही हूँ। सुनो तुम, ये क्या बात है वो साफ साफ बताओ। जहाँ पना, मैं 8 दिनों में माँ बनने वाली हूँ, पर हमारी संतान को जन्म मैं नहीं, मेरे पति देने वाले हैं। क्या? जी, हमारी संतान उन्हीं के पेट में पल रही है। क्या हमें बेवकूफ समझ रही हो? तुम जो भी कहो वो हमें मान लेना चाहिए। पुरुष कभी गर्भ धारण कर सकता है क्या? क्या पता हुजूर, अब तक मेरी शादी कहाँ हुई है? आपने कभी गर्भ धारण किया है क्या? सरकार, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं उनको अभी बुला लेती हूँ, वो बाहर ही खड़े हैं। मुमकिन है इस दुनिया में? देखिए जहाँपना, मेरे पति अब 8 दिनों में जन्म देने वाले हैं, अब तो मान रहे हैं ना? पर ये कैसे मुमकिन है? इस दुनिया में कभी पुरुष जन्म देता है क्या? क्यों नहीं सरकार, अपने राज्य में अगर बैल दूध दे सकता है तो पुरुष भी गर्भ धारण कर सकता है। वाह बीरबल, तुम्हारे ऐसे जबरदस्त जवाब से हम खुश हैं। ये लो 100 मोहरों का इनाम। सरकार, ये इनाम बांट दीजिए। हाँ? क्योंकि इसमें इसकी भूमिका भी बड़ी है। हाँ, पर कौन है ये? मैं बीरबल जी की पुत्री हूँ सरकार, तेजस्विनी। अच्छा, ये लो तुम्हारा इनाम। और ये है हमारी संतान। एक बार एक गरीब ब्राह्मण किसी समृद्ध घर का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, कोई है घर में? आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। यजमान, मैं एक प्रवासी हूँ, काशी यात्रा के लिए निकला हूँ। आज संध्या समय होते होते आपके शहर पहुंचा हूँ, तो कृपया आप आज की रात मुझे आपके घर में आसरा दीजिए, सुबह होते ही मैं अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ूंगा। इस गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर यजमान को दया आई, वो तुरंत ही बोला, अरे आइए ना आइए भूदेव आइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, यही मेरा सौभाग्य है। वाह, कितने उदार हैं आप, आपकी सातों पीढ़ी का कल्याण हो। यजमान ने ब्राह्मण को अपने घर में आसरा दिया, उसे पेट भर भोजन करवाया और सोने के लिए अलग कमरा भी दिया। दिन भर के प्रवास से थके हुए ब्राह्मण को जल्द ही नींद आ गई। उन दिनों दिल्ली में चोरियां बहुत ही बढ़ गई थी। सरकार ने रात के समय पहरा देने वालों की संख्या भी बढ़ा दी थी। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दुर्भाग्य से
उन्हीं पहरेदार सिपाहियों में से एक सिपाही खुद भी चोरी करता था और चोरी का माल अपने घर ले जाता था। यजमान ने ब्राह्मण को जो कमरा सोने के लिए दिया था, उसी कमरे की दीवार उस चोर ने कुदाली से तोड़ दी और अंदर की पड़ी हुई एक बंद संदूक की ओर उसने कदम बढ़ाए। सिपाही ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें कीमती जवाहरात थे। वो तुरंत ही संदूक लेकर निकल पड़ा। जाते जाते उस सिपाही का पांव उसी कमरे में सोए हुए ब्राह्मण को लगा। ब्राह्मण ने तो उस चोर का पांव पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, चोर चोर। तब वो चोर ब्राह्मण से कहने लगा, छोड़ो छोड़ो मेरा पांव छोड़ो वरना। नहीं नहीं नहीं, मैंने यजमान का नमक खाया है, उनका संकट मेरा संकट है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ब्राह्मण की बातों से चोर समझ गया कि वो ब्राह्मण इस घर में मेहमान है। उसने ब्राह्मण को प्रलोभन दिखाते हुए कहा, इस संदूक में बहुत सारे गहने हैं, बाहर चलकर हम इसे आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बेईमानी करना मेरे लिए संभव नहीं है, और तुमने तो सिपाही की वर्दी पहन रखी है और तुम ही इस तरह चोरी करते हो। अब यह चोरी अपने सर पर ही आएगी। इस बात का पता चलने पर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे सेठ जी, ओ सेठ जी, आप ही का ये अतिथि दीवार फोड़कर संदूक लेकर भाग रहा है, मैंने उसे पकड़ लिया है। कमरे से आती हुई आवाज सुनकर यजमान वहां आ पहुंचा। तब सिपाही ने संदूक नीचे रखकर ब्राह्मण को पकड़ लिया। यजमान को देखते ही सिपाही ने कहा, सेठ जी, ये देखिए आपका चोर, ये संदूक लेकर भाग रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया है। नहीं नहीं यजमान, ये झूठ बोल रहा है, उल्टा वही चोरी कर रहा था, मैंने उसे पकड़ा है। यजमान को ब्राह्मण की बात का भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि ये ब्राह्मण मन में कपट लिए अपने घर में घुसा है और मौका मिलते ही चोरी की है। वो बोला, अरे मैंने तुम पर दया की, उसका ये फल दिया तुमने, अब तो तुम्हारा क्या किया जाए ये बादशाह ही तय करेंगे। दूसरे दिन यजमान, शेठ जी, ब्राह्मण और सिपाही के साथ अकबर के दरबार में आए। उन्होंने बादशाह अकबर को रात को घटी हुई सारी बातें बताई। तब बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब इसका फैसला तुम ही करो। जी हुजूर। अब बताओ कि ये भूदेव कौन है और आपके घर कैसे पहुंचे? मैं एक प्रवासी हूँ, काशी यात्रा को निकला हूँ। अजी, इनकी बिनती सुनकर मैंने इन्हें आसरा दिया पर। नहीं महाराज, इस सिपाही ने दीवार तोड़ी और वही संदूक लेकर भाग रहा था। ये झूठ बोल रहा है, चोरी इसी ने की है। ये चर्चा जोर शोर से चल रही थी, तभी दूसरे एक सिपाही ने आकर कहा, जहां अपना, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कार्रवाई में बीच में आ रहा हूँ, पर जहां अपना, मेरा काम ही ऐसा है। बोलो। जहां अपना, मेरा बेटा और मैं गांव के बाहर हनुमान मंदिर गए थे, दर्शन करके हम दोनों बाहर आ रहे थे, तभी बच्चा मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जहांपना, मैं डर गया हूँ, उसे उठाकर लाने की हिम्मत मुझ में नहीं है, कृपया आप दो आदमी भिजवाइए। तुम अपने बेटे की चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। तुम्हें यहाँ एक खास जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए तुम वहां मत जाना। तुम दोनों हनुमान मंदिर जाकर उस बच्चे को यहां ले आओ, तुम्हारे लौटने पर ही हम इस मामले का न्याय करेंगे। सिपाही मंदिर का स्थल जानता था। बीरबल की आज्ञा होते ही वो उस ब्राह्मण के साथ मंदिर की ओर गया। ब्राह्मण के उपवस्त्र की झोली बनाकर उसमें मूर्छित बालक को उठाकर वो वापस लौटे। रास्ते में चलते चलते उसने सिपाही से कहा, अरे चोर, वास्तव में दीवार तुमने तोड़ी, चोरी भी तुम ही कर रहे थे, और फिर भी समय आने पर तुमने कहा कि चोरी मैंने की है। भूदेव, आपकी बात सही है, पर मैं उस संदूक में भरे गहनों का आधा हिस्सा देने को तैयार था ना, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी,
तो भुगतो अब अपने प्रामाणिकता का फल। बोलते बोलते दोनों उस बच्चे को लेकर दरबार तक पहुंचे। बच्चे के पिता ने उस बच्चे को एक जगह सुलाया और वो भी वहीं बैठ गया। अब बीरबल ने फिर एक बार इन दोनों को सवाल पूछा। सच सच बताओ, तुम दोनों में से चोरी किसने की है? इसने। जहां अपना, मैं इस राज्य का सिपाही हूँ, रक्षा करना मेरा काम है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? हे रक्षक, असली चोर तुम ही हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। दीवार तोड़कर गहनों की संदूक लेकर तुम ही भाग रहे थे। असली चोर का पता चलने पर सारा दरबार अचंभे में पड़ गया। बीरबल ने तुरंत ही उस सिपाही को कारावास की सजा सुनाई और उस ब्राह्मण को निर्दोष जाहिर किया। अकबर से रहा न गया, उसने दूसरे सिपाही से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा बेटा तो बेहोश हो गया था ना? कैसी बेहोशी जहां अपना, ये तो चोर की खोज करने के लिए बीरबल जी ने मेरे बेटे को वहां सुलाकर ऐसा नाटक करने कहा। ये सुनकर बादशाह बीरबल पर स्तुति सुमन बरसाने लगे और बीरबल से जलने वाले जलते ही रह गए। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल पर बेहद गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है बीरबल? तुमने हमारी बेगम को गला ठीक करने की दवाई दी और उससे गला ठीक होने के बजाय और भी खराब हो गया। सुना कितना बेसुरा गा रही है वो। अरे पहले उसे चुप करवाओ या कम से कम अंदर ले जाओ। सरकार, मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया दवाई थी वही मैंने उनको दी है। कभी कभी किसी को किसी दवाई का फायदा नहीं होता है। पर ये पहले ही बताना चाहिए था ना भाई, बादशाह की बेगम साहिबा का गला कोई प्रयोग करने का ठिकाना लगता है क्या तुम्हें? और तुम्हारी इस गलती की सजा अपने बादशाह को भुगतनी पड़ रही है। आलमपना, बीरबल जी को उनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है हुजूर, मुझे अपनी गलती कबूल है। सिर्फ कबूल करने से नहीं चलेगा, सजा भी मिलनी चाहिए। शेर खान सही कह रहे हैं बीरबल, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। क्या सजा दी जाए तुम्हें? वो मैं कैसे कहूं, और मुझ पर आरोप आपने ही रखा है, इसलिए आप बादशाह होते हुए भी मुझे क्या सजा दी जाए इस बात का निर्णय आप नहीं कर सकते हुजूर। तुम्हारी बात भी सही है। तो फिर अब सरकार, आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इस मामले का इंसाफ करता हूँ। जहां अपना, अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं भी हूं ना इनकी मदद के लिए। नहीं नहीं, इस दरबार में पहले से ही बीरबल से नाराज हों ऐसे कई लोग हो सकते हैं, इसी कारण इस मामले का इंसाफ पारदर्शक होना जरूरी है, वरना बीरबल को अन्याय होगा। तो कौन करेगा इसका इंसाफ? वो तो बीरबल ही बताएगा। पर वो तो उसकी तरफदारी करने वालों को ही पसंद करेगा। याद रखो, आज तक बीरबल ने सबका सही इंसाफ किया है। इंसाफ की सही कीमत वो जानता है, इसलिए उसे सजा कौन देगा ये भी वो ही तय करेगा। बताओ बीरबल, इस काम के लिए तुम किसे चुनना चाहोगे? अगर आप कह रहे हैं तो अपने शहर बाहर की बस्ती में गरीब भिखारी दीन दुखी लोग रहते हैं, मुझे अपना न्याय उन लोगों से करवाना अच्छा लगेगा। क्या? पर वो लोग तो अनपढ़ हैं, वो क्या इंसाफ करेंगे? सरकार, वे अनपढ़ भले ही हो पर बुद्धिहीन नहीं है शेर खान जी। न्याय करने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एतराज न हो तो ठीक है। बीरबल, तुम कह रहे हो तो वो लोग ही तुम्हें सजा फरमाएंगे। जाओ ले आओ उन्हें।
अरे चलो चलो फटाफट चलो, बादशाह इंतजार कर रहे होंगे। क्या पता अभी हमें क्या क्यों बुलाया है, कुछ पता नहीं। लेकिन अरे ये देखो उसने पूरे कपड़े पहने हैं, देखो। अरे देख 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 देख, पांव में जूते भी है। अरे किसने दिया तुम्हें? ए, चुपचाप सामने देखो। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? पता नहीं क्यों बुलाया हमें, पर हमने तो कुछ भी नहीं किया है सरकार। बादशाह सलामत। जी सरकार, हमें छोड़ दीजिए सरकार, हम निर्दोष हैं। तुम लोगों को यहाँ कोई सजा भुगतने नहीं लाया गया है, पर तुम्हें बिरबल को सजा फरमाने के लिए बुलाया गया है। अजय जी मालिक, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने क्या अपराध किया है, हमें ऐसी सजा दे रहे हैं? बिरबल जी तो बहुत ही बड़े हैं, उनका बहुत नाम सुना है हमने। सुना है उनका न्याय हमें करना है, मतलब सूरज का न्याय काजल करे ऐसा हुआ। ठीक कह रहे हो, पर बिरबल का इंसाफ तुम करो, ऐसी बिरबल की ही मर्जी है तो उसकी मर्जी और मेरा हुक्म, तुम्हें इसे सजा फरमानी ही होगी। पर बादशाह सलामत, इन्होंने किया क्या है वैसे? क्या किया है मालिक? बिरबल द्वारा किए गए अपराध की बात बादशाह ने उन तीनों को बताई और कहा, अब तुम तीनों बातचीत करके तय करो कि क्या सजा दी जाए, तुम्हारा इंसाफ इसके लिए बंधन कारक होगा। फिर तीनों अपने आप में चर्चा करने लगे। नहीं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास उसके लिए लेकिन वो अलग से होता है ना। सुनो, मेरा कहना ये है कि आप बादशाह का आदेश है तो बिरबल को बहुत बड़ी सजा तो अपने को देने ही पड़ेगी। बादशाह ने उसे आज तक बहुत मोहरे दिए, उसे पूरे 50 मोहरों का दंड। अरे 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 अरे, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, वजीर हो, लेकिन इंसान तो पहले है ना। और तो फिर इतना बड़ा दंड कब भर पाएगा वो? उसके बदले हम उसे 25 मोहरों का दंड करते हैं। चलेगा। जिंदगी भर भरता रहेगा वो। सही है। अरे लेकिन क्यों उसके बीवी बच्चों का शाप बोल लेते हो? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 मोहरे भी उसके लिए बहुत हो जाएंगे, जिंदगी भर हमें याद करता रहेगा वो। बादशाह सलामत पूरे हालात के बारे में सोच कर बिरबल को दंड करने का हमने तय किया है, और वो ये है। बताओ तो कितना दंड भरना होगा उसे? सरकार, अब बिरबल जी को पूरा 5 मोहरों का दंड भरना होगा। जी हाँ, 5 पूरे 5। अगर ये उनको एक साथ भरना मुश्किल लगता हो तो उन्हें किश्तों में चुकाना होगा। ये बराबर है। इन तीनों का फरमाया हुआ 5 मोहर का दंड बिरबल जी के लिए अत्यंत मामूली था। ये सुनकर अकबर को बेहद आश्चर्य हुआ, और आखिर बिरबल ने अपना तटस्थ न्याय करवाने के लिए आजमाई हुई युक्ति की अकबर ने तहे दिल से तारीफ की। सरकार, आप ये क्या कर रहे हैं? मूर्ख, देख नहीं सकते मैं बीरबल को मार रहा हूँ? पर ये तो सिर्फ एक पुतला ही है। अरे पुतला भी तो बीरबल का ही है ना। हाँ। यहाँ वो कहाँ अपनी चालाकी दिखा पाएगा, चुपचाप खा रहा है ना मार। नहीं, आपकी बात तो सही है, पर इस पुतले को मारकर आप थोड़ी ना वजीर बन सकते हैं। चुप। इस तरह हंसने की बजाय कुछ सोचो तुम लोग, कुछ सोचो। उस बीरबल की जगह मेरी पसंद की कैसे हो सकती है, इसका विचार करो। सोचना पड़ेगा। आई बात दिमाग में। अरे तो बताओ ना, क्या बात आई दिमाग में?
हाँ हाँ बता रहा हूँ, पर पहले आप बताइए कि अपने शहर में सबसे ख्यात नाम और विद्वान व्यक्ति कौन है? अरे सबसे ख्यात नाम यानी अपने शेर खान। नहीं, शेर खान से भी ख्यात नाम यानी बीरबल। और बीरबल से ख्यात नाम जिसे सब पहचानते हैं। अपने अकबर बादशाह। अरे अरे कोई इसका मुंह बंद करवाओ, बात किसकी चल रही है और ये बात किसकी कर रहा है? सच पूछो तो अपने शहर में सबसे ख्यातनाम व्यक्ति यानी हसन नाई है, सब उसे पहचानते हैं। अरे वाह 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 वाह, बोलो कौन हो सकता है? वो बोलो 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 तो तुम सही बताओ। ऐसा कोई यानी तानसेन। शाबाश, तानसेन ही। शेर खान जी, तानसेन ही आपकी मदद कर सकते हैं। वो कैसे भाई? खान साहब, आप हर बार बादशाह के सामने वजीर बनने के लिए जिद करते हैं, ठीक है, और हर बार बीरबल की जीत होती है। हाँ मैं जानता हूँ, बार बार क्यों मुझे याद दिलाते हो वो? नहीं, इस बार आप वजीर बनने के लिए तानसेन जी को आगे करें तो? पर इससे होगा क्या? तानसेन जी की विद्वत्ता बीरबल से भी श्रेष्ठ है और वे विख्यात भी है। अगर आप उन्हें वजीर बनाने को कहेंगे तो बादशाह के लिए मना करना मुश्किल होगा। वाह 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 वाह, इसी कारण बीरबल आराम से वजीर की गद्दी से टल जाएंगे। हाँ, यानी लाठी भी मरेगी और सांप भी नहीं टूटेगा। तरकीब अच्छी है, चलो काम पर लग जाते हैं। अरे शेर खान, आप? जी तानसेन जी, मैं सोचा आप जैसे महान संगीतकार से कला की थोड़ी सी उपासना की जाए। मैं कैसा महान शेर खान, प्रभु ने कला दी है, मैं तो सिर्फ उस कला का एक पुजारी हूँ। नहीं तानसेन जी, आप सचमुच महान हैं। इस दुनिया के अनगिनत लोग आपकी कला के भक्त हैं, रसिक हैं। हाँ, कला की उपासना की तो सिद्धि प्रसिद्धि अपने आप चली आती है। वाह वाह वाह, कितने ऊंचे ख्याल हैं, कैसी महान विद्वत्ता है आपके पास। पर एक बात को देखते हुए बड़ा दुख होता है। दिल में मानो कांटा चुभता है। कोई गलती हुई क्या मुझसे? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं तानसेन जी, अजी गलती आपकी नहीं हमारी है। मतलब? आप जैसी महान व्यक्ति अपने राज्य में होते हुए भी वो बीरबल। क्या बीरबल? वो तो बहुत ही विद्वान है। छोड़िए, कहाँ का विद्वान और कैसी बात। चतुराई से बोलने से और नई नई युक्तियों से कोई विद्वान नहीं बन जाता। तानसेन जी, बीरबल तो प्रसिद्धि और पैसे दोनों पर हाथ रखकर बैठा है। अब आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि इस राज्य के वजीर आप ही बने। क्या, मैं और वजीर? जी हाँ जनाब, मेरी दुनिया तो संगीत की है, वो काम मुझे कैसे जमेगा? अलावा मेरा वजीर बनना बादशाह को भी पसंद होना चाहिए ना। आप इतने महान हैं, गुणवान हैं, अगर आप वजीर बने तो आपको आपकी कला संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए कई नए मौके मिल सकते हैं। आप वजीर बने ये सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि कई देश के लोगों की ख्वाहिश है। बादशाह के सामने आपका नाम रखा गया तो उन्हें एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो पूछ लेता हूँ बादशाह से। दूसरे दिन तानसेन ने दरबार में अकबर से कहा, बादशाह सलामत, प्रणाम करता हूँ। बताइए तानसेन जी, आज कैसे याद आ गई हमारी? जहां अपना, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक महान संगीतकार हूँ। दुनिया में कई लोग मेरी कला के दीवाने हैं।
हाँ तानसेन जी, आप महान हैं तभी तो मेरे दरबार में 9 रत्नों में से एक हैं। नहीं, इस दरबार में विद्वत्ता के हिसाब से मैं सबसे महान और विख्यात हूँ। तो इस राज्य का वजीर मुझे होना चाहिए, ऐसी कई देश के लोगों की इच्छा है। क्यों, ठीक है ना शेर खान जी? शेर खान का नाम आते ही बिरबल को वजीर की गद्दी से दूर करने की ये शेर खान की कोई नई चाल है, ये बात अकबर समझ गए। तुरंत उन्होंने एक सेवक के कानों में कुछ कहा। सेवक के जाने पर अकबर ने कहा, ठीक है, तानसेन की विद्वत्ता बीरबल से जरूर श्रेष्ठ है। वो अगर इस राज्य के वजीर बने तो वो अपना ही सम्मान होगा। लेकिन बीरबल हाल में वजीर हैं, उनको इतनी आसानी से दूर करना संभव नहीं है। तो क्या किया जाए जहां अपना? बता रहा हूं बिरबल और तानसेन जी, जहां पना आप ये खत लेकर ईरान के बादशाह के पास जाइए। आप दोनों में से जो भी इस खत का जवाब लाएगा वो इस राज्य का वजीर बनेगा। मंजूर? मंजूर है जहां पना। बस इतनी सी बात है ना, अभी जाता हूं और जवाब लेकर आता हूं। बादशाह सलामत, बाहर 2 लोग आए हैं, कहते हैं दिल्ली के बादशाह ने उन्हें यहाँ कुछ काम से भिजवाया है। हाजिर किया जाए। बिरबल और तानसेन ईरान के बादशाह समक्ष हाजिर हुए। बादशाह सलामत, हमें दिल्ली के अकबर बादशाह ने भेजा है, उन्होंने इस खत का जवाब मांगा है। ये सब क्या बात है? बादशाह सलामत, सीधी सी बात है, ये तो एक खत है, उन्होंने इस खत का जवाब मांगा है, बस वो आप मुझे दे दीजिए। इस खत में तो खत लेकर आने वाले का शिरच्छेद किया जाए ऐसा लिखा है। शिरच्छेद का नाम सुनते ही तानसेन हक्का बक्का रह गया, पसीने से लथपथ हो गया, बिरबल भी दंग रह गया। देखो हकीकत में तुमने क्या किया है और तुम्हारा सर क्यों काटा जाए ये मुझे मालूम नहीं है, पर राजधर्म का हुक्म समझकर मुझे तुम्हारे सर कटवाने ही होंगे। नदीफ, कल सुबह होते ही इनका सर कलम कर दिया जाए, तब तक इन्हें बंदी बनाकर रखा जाए। जो हुक्म। अब बीरबल जी, कुछ कीजिए और मुझे मतलब हम दोनों को इस संकट से बचाइए। आप इतने बुद्धिमान हैं, आप जरूर कुछ ना कुछ सोच सकेंगे। मुझे नहीं बनना है वजीर, फिर कभी उनकी बातों में नहीं आऊंगा। छोड़िए वितानसेन जी, कभी कभी होता है ऐसा, कल जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना। ठीक है। ठहरो, क्या हुआ? कुछ नहीं। रुकिए, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले मेरा शिरच्छेद करो। नहीं 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 नहीं, पहले मेरा शिरच्छेद करो। नहीं 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 नहीं, पहले मेरा 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 नहीं नहीं नहीं, पहले मेरा। देखिए मेरी बात सुनिए, तुम्हारा क्या करना है वो बादशाह ही बताएंगे। ठीक है। ठीक है, मैंने जो कहा था वो बराबर से याद है कि नहीं? हाँ सब याद है बराबर। हाँ जी। ये क्या हो रहा है? बादशाह सलामत, आपने हमें आखिरी ख्वाहिश के बारे में तो नहीं पूछा। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? इससे पहले मेरा शिरच्छेद किया जाए। और तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरे बाद इसका शिरच्छेद किया जाए। क्या जी? बादशाह सलामत, इससे पहले मेरा और उससे भी पहले मेरा शिरच्छेद।
तो इससे पहले से पहले मेरा। नहीं 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 नहीं, इससे पहले से पहले से पहले मेरा। हाँ ठहरो जी, अब ये कौन सी नई गड़बड़ है? तुम दोनों पहले सर कटवाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? नहीं वो हम नहीं बता सकते, पर इतना तो जरूर बता सकते हैं कि मतलब कि नहीं 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 नहीं, पहले मेरा ही शिरच्छेद किया जाए। हाँ नहीं, पहले वजह बताओ, तब तक मैं किसी का भी सर नहीं कटने दूंगा। अब ठीक है, ठीक है, बताता हूँ, पर पहले हमारे हाथ तो खुलवाइए। ठीक है, खोल दो इनके हाथ। जी शुक्रिया। बादशाह सलामत, हम दोनों ही बिल्कुल निर्दोष हैं, और आपके द्वारा हमारा शिरच्छेद हो ऐसी हमारे बादशाह की ख्वाहिश है। ऐसी कैसी ख्वाहिश? जी बादशाह सलामत, अजीब सी है लेकिन फिर भी ये सत्य है। हुजूर, हमारे जहांपनाह आपका राज्य जीतना चाहते हैं, पर आप पापी, अन्यायी, अत्याचारी और बड़े ही कपटी। क्या कहा? नहीं है ना, नहीं है। आप तो बड़े पाक, पाक और इसलिए क्या है कि आपका राज्य जीतने में हमारे जहांपनाह को मुश्किलें पैदा हो रही है ना। एक बड़े ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि किसी भी दो बेगुनाह इंसानों की यदि आपने हत्या की तो वे बड़ी आसानी से इस राज्य को जीत पाएंगे जनाब। जी, और आप उनके बंदी बनेंगे। हमारे बादशाह बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। बादशाह सलामत, पर ये दोनों पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे थे? वो ऐसा है जहांपनाह कि यहाँ के लिए निकलने से पहले हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम दोनों में से जो पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो उसका वजीर। और मैं राजा बनना चाहता हूँ बादशाह सलामत। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे राजा बनना है। ठहरो ठहरो, तुम्हारा बादशाह मेरे खिलाफ ऐसा कपट खेल रहा है? चलो अभी इसी वक्त तुम निकलो और उसे बता दो कि मुझ जैसे पाक बादशाह की सल्तनत जीतना इतना आसान नहीं है, समझे? चलो निकलो। बादशाह सलामत, हमारा शिरच्छेद ऐसा है तो पहला इसका ही कीजिए ना। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। ठीक है, चलो चलो चलो। जहां अपना इस राज्य का वजीर बनने के लिए बीरबल ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। पर आखिर ऐसा हुआ क्या? बुद्धि श्रेष्ठ, आप तो सर्व ज्ञानी हैं, वहां क्या हुआ इस बात का पता तो आपको अब तक चल ही गया होगा। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। दिल्ली शहर में तड़कुमल नाम का एक बेहद गुस्से वाला आदमी रहता था। एक बार गुस्सा होने पर तड़कुमल क्या करेगा ये कोई नहीं कह सकता था। ऐसे ही एक दिन इस तड़कुमल को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। क्यों मोगरा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे सब्जी में कम नमक पसंद नहीं है? रुकिए, अभी डाल देती हूँ सब्जी में नमक। इतना नमक क्यों, मुझे मारने की सोच रही हो क्या? मैं थोड़ी सी सब्जी डाल देती हूँ। और ये चपाती तो बिल्कुल कड़क है, इससे तो मेरे दांत टूट जाएंगे। कौन जाने कहां से ऐसी पत्नी मिली है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे भोजन में अन्न के सिवा और कुछ भी पसंद नहीं है, अब इसमें बाल कहां से आया? नहीं जी, गलती से आ गया होगा, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो नाई के पास तुम्हारे सर से सारे बाल कटवा दूंगा, फिर देखता हूँ भोजन में बाल कैसे आते हैं। पत्नी को इतना धमकाने के बाद भी एक दिन जो होना था वही हुआ। तड़कुमल के भोजन में फिर से बाल आया। अजी, वो गलती से आया होगा, मैं अभी पहले ही बाल बना लेती हूँ। उठ अभी के अभी उठ, और नहीं कोई आंवला केला। नहीं नहीं जी नहीं, मैंने अब ऐसा नहीं होगा, मेरे बाल मत कटवाइए, मेरे बाल मत कटवाइए। अच्छा, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, पर फिर से आया ना बाल, अब सजा नहीं मिलेगी तब तक तुम नहीं सुधरोगी। चलो निकलो यहाँ से। सुनिए,
पति के सामने अपनी एक भी चलने वाली नहीं, ये समझते ही मोगरा ने नाई के घर का रास्ता लिया। फिर उसे सारी बातें बताई। ये सुनकर नाई बोला, दीदी, आपके पति के सामने मेरा बस चलना मुश्किल है। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं बिरबल के पास और देखते हैं कोई इलाज मिलता है क्या। फिर मोगरा और नाई बिरबल से मिले। उन्हें सारी बात बताने पर बिरबल ने कहा, अब जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना। तड़कुमल जी, ओ तड़कुमल जी, चलिए जल्दी चलिए। कौन है? अरे नाई तुम, और मोगरा कहाँ है? जी दीदी को स्नान करने भिजवाया है, उसके बगैर ठीक से बाल काट नहीं सकते ना। ये अच्छा किया तुमने। तो अब आप भी एक काम कीजिए ना, ये विष लीजिए और फटाक से पी जाइए। ये विष? हाँ? ये मुझे क्यों पीना होगा? अजी आपकी पत्नी के बाल जो काटने हैं ना। हाँ तो? अरे तो क्या, आप मरे बिना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हमारे धर्म में ही वैसा कहा गया है। चलिए चले 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 चले, फटाफट निपट लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। मैंने चार कंधा देने वाले और एक मटका पकड़ने वाले को बुलाने भेजा है। वहाँ शमशान में चीता भी तैयार होगी, अब तो गांव के सारे लोग भी जमा हो जाएंगे वहाँ। जल्दी कीजिए, लीजिए लीजिए, ये विष पीजिए। नहीं भैया नहीं। अरे नहीं क्या, ले लो जल्दी, बिरबल जी ने ये विष खास करके आपके लिए भिजवाया है। तो फिर क्या, हाँ? बड़े ठाट से आपकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। आप अपने धर्म का इतना आदर करते हैं, इसलिए खुद बादशाह भी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले हैं। अरे बहुत ही नसीब वाले हैं आप तो तड़कुमल जी। नहीं भैया, अरे मुझसे भूल हो गई, इतनी भारी सजा मत दो मुझे। फिर आप भी आपकी पत्नी को कितनी भारी सजा दे रहे थे तड़कुमल जी। सच है आपकी बात, भूल हो गई, सचमुच भूल हो गई, गुस्से के कारण मैं तो अंधा हो गया था। अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी। अजी मैं कौन आपकी आंखें खोलने वाला, ये काम तो है चतुर बिरबल जी का।